गुड इवनिंग, माय नेम इज़ ऋतु रतिवाल एंड यू आर विद अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। बिना देर किए शुरू करते हैं अपना सेशन सच का सामना, जिसमें मैं तुम्हें होल सिलेबस क्विज दूंगी। आई विल गिव यू रैपिड क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू आंसर दैट। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके बाद हम टोटल स्कोर देखेंगे। जनरली सच का सामना में 45 टू 50 क्वेश्चंस होते हैं, परंतु आज के क्विज में जस्ट 30 क्वेश्चंस हैं। सो क्विक होगा ये, बहुत ही आधे घंटे के अंदर इसको फिनिश करेंगे। चलिए, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के साथ। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करेंगे? पहली बात तो ज्वाइन इसलिए करेंगे क्योंकि आपको हमारे चैनल का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि आज कौन कौन सा टीचर क्या क्या पढ़ाएगा, आपके रेलिवेंट कोई क्लास है या नहीं है, तो आपको अपना टाइम लगाना है कि नहीं लगाना है। देन साथ में हम बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स डालते रहते हैं अपने चैनल पे, सो दैट आप लोगों को अलग से मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अनअकैडमी प्लस के बारे में आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उन्हें बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है नीट के बच्चों के लिए। नीट के बच्चे वहां जाकर लाइव क्लासेस लगा सकते हैं, मतलब अपने घर से ही लगाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वो लाइव क्लासेस होंगी। 40 टीचर इस वक्त वहां पे लाइव क्लासेस दे रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, मतलब इंडिया के बेहतरीन टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं। उन्हीं टीचर्स में से मैं भी एक हूं, तो मतलब मैं अपना पूरा सिलेबस वहां पे पढ़ाती हूं, प्लस वन और प्लस टू का पूरा एक बार कंप्लीट कराती हूँ सिलेबस, फिर उसका क्रैश कोर्स कराती हूँ, फिर उसके आगे एक और कोर्स कराती हूँ कि उससे कम टाइम में भी कैसे रिवीजन करना है। सो ये चलता रहता है, बार बार वहाँ पे कोर्सेज आते रहते हैं। ठीक है, इस वक्त मेरा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैं पूरा सिलेबस 4 मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीटली रिवाइज करा रही हूँ। NCERT आप लोग एक बार पढ़ के आते हैं कोर्स लगाने से पहले, ठीक है, एक बार आप वो चैप्टर पढ़ेंगे, फिर मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी चैप्टर पूरा का पूरा, समझाऊंगी, फिर मैं आपको क्लास में ही टाइम दूंगी कि आप उसको दोबारा से पढ़ लो, फिर आप मुझसे डाउट्स पूछोगे क्लास में ही, फोटो खींच खींच के आप उस लाइन को फोटो खींच के मुझे सेंड कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगी इसका मीनिंग क्या है, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे आप उनकी फोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे। सो इस तरीके से वहाँ पर प्रिपरेशन चलेगी। ठीक है, सो एक तो ये कोर्स चल रहा है, दूसरा इकोलॉजी का मैं एक कोर्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि इकोलॉजी मुझे लगता है तुम लोगों को थोड़ा आराम से पढ़ने की जरूरत है, इकोलॉजी अच्छी नहीं लगती ना, सो वो कोर्स चलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आनंद मणि सर एंड मैं मिलके, आनंद मणि सर प्लस आई विल टीच यू अ कोर्स। हम लोग साथ में एक कोर्स बना रहे हैं बोर्ड कम नीट के बच्चों के लिए। इसका स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि ये 10 जनवरी से कोर्स शुरू है, 10 जनवरी से 16 मार्च तक जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको हम पूरा प्लस टू रिवाइज कराएंगे, प्रॉपरली लर्न कराएंगे, रिवाइज कराएंगे, तो बोर्ड की तैयारी हो गई अच्छी तरीके से। 16 मार्च से आगे, मतलब 17 मार्च से 2 मई तक, जब तक तुम्हारा नीट का पेपर नहीं हो जाता, उसके लिए हम तुम्हें क्विक रिवीजन कराएंगे प्लस वन की। तो प्लस टू प्लस वन दोनों कवर हो गया, तो तुम नीट में अब जाके अच्छी तरीके से पेपर दे पाओगे। देन आनंद मणि सर के साथ ही एक और मेरा कोर्स आएगा, वो 15 जनवरी से शुरू होगा, वो बहुत ही छोटू सा कोर्स होगा, वो ड्रॉपर्स के लिए होगा, जो बच्चे सब कुछ पढ़ चुके हैं उनको बहुत ही फास्ट रिवीजन देना, रिवीजन स्ट्रैटेजीज बताना, टिप्स एंड ट्रिक्स देना कि चीज़ें लर्न कैसे करनी है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ छोड़ सकते हो इस टाइम पे, इस तरीके से एक लोग हम लोग कोर्स बनाएंगे 15 जनवरी से। सो ये सब कुछ लेने के लिए जो मैंने तुमको अभी बताया है, 40 टीचर्स की क्लासेस, मतलब कोई भी टीचर हो उससे पढ़ने के लिए तुमको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, कोई भी कोर्स हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो चाहे वो नॉर्मल कोर्स हो, वो पढ़ने के लिए भी तुम्हें एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। एक सब्सक्रिप्शन से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की सारे टीचर्स की सारी क्लासेस तुम्हें अवेलेबल हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कोई अलग अलग से सब्सक्रिप्शन लेना है। अब वो एक सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। देखो, यू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जैसे ही तुम ओपन करोगे तुम्हारे पास एक पेज आएगा, तो पेज के नीचे एक ऑप्शन आएगा प्लस, प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर प्लस पे बड़े सारे कोर्सेज हैं, IIT JEE के लिए भी कोर्स है, नीट एम्स के लिए भी कोर्स है, तो तुम अपना ऑप्शन ढूंढ लोगे नीट एम्स, उस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, फिर आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन कर दोगे। गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद ना, हालांकि यहाँ तो इतना डिटेल में दिया नहीं हुआ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो तुमसे टाइम पूछता है कि आप कितने समय के लिए ज्वाइन करना चाहते हो। तुम लोगों के लिए अभी जो सबसे रेलिवेंट समय है, जो नीट 2020 के बच्चे हैं, वो 6 महीने वाला कोर्स मुझे लगता है सबसे रेलिवेंट है। 6 मंथ्स वाले कोर्स को तुम चूज़ कर सकते हो,
ठीक है, जो भी प्लस वन में बच्चे हैं पूरा प्लस टू पढ़ा है पढ़ने के लिए वो वन ईयर वाला कोर्स चूज़ करेंगे, जो प्लस टू के बच्चे हैं अभी आई एम सॉरी जो टेंथ के बच्चे हैं अभी और जो पूरा प्लस वन और पूरा भी प्लस टू उनको पढ़ना है वो टू ईयर कोर्स चूज़ करेंगे। देखो सिक्स मंथ्स वाले की फ़ीस 24,000 रुपीज़ है, पर उसको मैं तुम्हें कम करने का एक तरीका बता सकती हूँ। क्या? देखो मान लो तुमने सिक्स मंथ्स वाले पे क्लिक किया, 24,000 लिखा हुआ आ गया, अभी उसको पे मत करना, ऊपर जाना, यहाँ एक ब्लैंक स्पेस आएगा जहाँ पे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड, वहाँ पे एक कोड डालना। क्या है कोड? ऋतु लाइव, RITULIVE, ऋतु लाइव कोड डाल के आपने अप्लाई बटन दबा देना है। जैसे ही आप अप्लाई बटन दबाओगे आप देखोगे यहाँ पे फीस लिखी आएगी 21,600। क्या हुआ? 24 से 21 हो गया। कैसे? 10% ऑफ मिला है आपको मेरे कोड से, ठीक है। कोड डालने का फ़ायदा ये है कि एक तो 10% ऑफ हो जाएगा, साथ में तुम्हें मेरे बैचेस में एंट्री मिलनी चालू हो जाएगी, प्लस तुम्हें मेरे PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से वन ईयर वाला जो सब्सक्रिप्शन है वैसे वो 30,000 का है, लेकिन अगर तुम कोड डाल दोगे तो 27,000 का हो जाएगा। टू ईयर वाला जो सब्सक्रिप्शन है वैसे वो 48,000 का है, लेकिन तुम कोड डालोगे तो 43,000 में तुमको मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं क्विज बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हेलो एवरीबॉडी, रघुराम ए, सैयद ए, आशुतोष, अम्मान, सही है तुम लोगों का, सही है, जिस भी बच्चे ने उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, किसके लिए पढ़ते हैं हम ये? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है कि सीमन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, NCERT की लाइन है, सीमन कंटेन्स एक तो स्पर्म, देन सम एंजाइम्स, देन कैल्शियम एंड देन फ्रक्टोज, तो आंसर आएगा मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पृथ्वीराज आज प्रिपेयर करके आया है बेटू। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बोलिए। भूपेंद्र कह रहा है ए, गलत है बेटा भूपेंद्र, ममता गलत है, अरे रे विक्रमांक गलत है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। रघुराम का सही है, अर्पित का सही है, गिरीश कंबोजकर का सही है, संगीता का सही है, बहुत कम बच्चों का सही है, संयुक्ता का सही है, बहुत कम बच्चों का सही है, आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पहली बात तो डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस होता है तो वो एक्टिव नहीं हो सकता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यू हैव सम प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ विच आयन्स आर पासिंग, सपोज सोडियम आयन इज पासिंग, ठीक है, फैसिलिटेटेड आयन प्रोटीन्स की वजह से फैसिलिटेट होके आयन्स जाते हैं। पहली बात तो ये पैसिव प्रोसेस होता है, दूसरा पैसिव प्रोसेस हमेशा ही हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लेके जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट गलत हो गया, इट डजेंट कॉज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इट कॉजेज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यार ये तो सही है, ये तो सही है, इट डजेंट कॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो सही स्टेटमेंट है यार। इट इज इनसेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ये गलत स्टेटमेंट है। जो भी प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होता है ना वो हमेशा इनहिबिटर से सेंसिटिव होता है, तो अगर प्रोटीन है तो ये गलत हो गया। इट इज वेरी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, ये सही है। दो आंसर सही हो गए बच्चों, दोनों आंसर सही हो गए भैया। सॉरी मैंने चेक नहीं किया इस क्वेश्चन को, मैं ये देखना भूल गई, डजंट देखना भूल गई, तो दो आंसर सही है। तुम इस बात से एग्री करते हो कि दो ऑप्शन सही है? यू एग्री विद दिस? यस, चलिए नेक्स्ट। ओके अमान मलिक, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टीलोमेयर्स के बारे में क्या जानते हैं आप?
विक्रमांक सही है, अर्पित सही है, शांतनु गलत है, शिवानी सही है, श्रिया सही है, अर्पित भरद्वाज सही है, तैयबा सही है। देखो टीलोमियर्स, टीलोमियर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम होता है ना, जो क्रोमोसोम होता है ना उसके एंड को टीलोमियर कहते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्रोमोसोम को एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। है तो ये जेनेटिक मटेरियल ही, लेकिन ये फालतू का जेनेटिक मटेरियल होता है, जंक डीएनए होता है ये। तो ठीक है, इसमें मतलब अगर ये टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और हर बार जब ह्यूमन सेल जब रेप्लिकेट करता है ना, तो टीलोमियर थोड़े थोड़े टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। तो अंत में ना क्रोमोसोम इतना छोटा रह जाता है कि फिर वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पाता। इसीलिए ह्यूमन सेल्स की ना एक लाइफ होती है, वो 10 मल्टीप्लीकेशन के बाद, 20 के बाद, 30 के बाद दे विल स्टॉप, दे के नॉट कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग कॉन्टिन्यूसली। ओके, सो आंसर इज सील द एंड ऑफ क्रोमोसोम। ये बकवास है, ये बकवास है, ये बकवास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ये फास्ट आंसर चाहिए इसका। चलो क्विक सेशन करो, टाइम नहीं लगाओ ज्यादा, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ो, फिर आगे चलूंगी। क्विक करो सब कुछ। कॉपर टी के बारे में क्या जानते हो, जल्दी बोलो। फोर्थ का आंसर रघुराम का सही है, पृथ्वीराज का सही है, शिवानी गुप्ता का सही है, अमान मलिक का सही है, रोहित कुमार का सही है, गिरीश कंबोजकर का गलत है बिट्टू, अर्पित का सही है। हाँ जी, कॉपर टी इज अ डिवाइस। कॉपर टी कहाँ लगता है, ये यूट्रस है, यूट्रस में कॉपर टी लगता है, यूट्रस में ये कॉपर आयंस रिलीज करता है। ठीक है, तो कॉपर आयंस से दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो ये जो स्पर्म ऊपर जाते हैं, स्पर्म को स्लो करता है वो, ठीक है, स्पर्म को ऊपर जाने से रोकता है। दूसरी बात, वो इम्प्लांटेशन को रोकता है। तो बेटर आंसर कौन सा होगा, ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, ये सबसे सही आंसर ये है। जितने भी IUDs होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है उसको, यूट्रस को हॉस्टाइल करते हैं। ठीक है, मोर्टिलिटी सप्रेस करने वाला है नहीं कहीं पे, सो आंसर इसका बेटर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्लोरोफिल अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, कहां पे मिलता है भैया, शिवानी गलत है बेटा, गलत है, ए रघुराम गलत है, शोएब खान का सही है, सिर्फ एक बच्चे का सही आया अभी तक, रोशिक सिद्दीकी का सही है, अवंती का सही है, क्या कर रहे हो, गलत कैसे हो रहा है, कहाँ पे होता है भैया क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की ना इनर मेम्ब्रेन में होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन में होता है, कहाँ होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में नहीं होता यहाँ पे, सो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आंसर है भैया, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में थोड़े भी क्लोरोफिल होता है, गलत कैसे किया, ध्यान दो ना क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो ना। अगला क्वेश्चन प्लीज, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, खत्म करो जल्दी जल्दी, टेक 10 seconds। पॉलीजोम क्या होते हैं बताओ, सिक्स्थ का आकाश सही है, प्रेरणा सही है, सोनिका सही है, कुमारी श्रुति सही है, अमान मलिक सही है, अद्वैत पंटेज सही है, रोशन सिद्दीकी, श्रिया, ममता सभी सही हैं, सेजल। पॉलीजोम क्या होता है, पॉलीजोम होता है एक आरएनए के ऊपर बड़े सारे राइबोसोम लगे हुए हों इस तरीके से। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, थर्ड, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए, जिनको नहीं आता है, आई होप तुमने देख लिया है अभी। चलिए नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, व्हाट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सेवेंथ, अर्पित सही है, शोएब सही है, विक्रमांक सही है, विजया सही है, नुपुर गलत है, श्रिया राइट, तान्या राइट, रघुराम राइट, रोशन राइट, एहतशाम राइट। करेक्ट क्या है, डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल ड्यूरिंग जी1, बकवास है, डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल ड्यूरिंग एस फेज, ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज इज शॉर्टर, गलत है, इंटरफेज बहुत ही लंबा होता है, एम फेज तो छोटू सा होता है। ह्यूमन सेल्स को 24 घंटे पूरा लगता है, इंटरफेज प्लस एम वे, जिसमें एम सिर्फ एक घंटा रहता है, इंटरफेज 23 घंटे रहता है।
जी टू इज फॉलोड बाय माइटोटिक, नो जी टू माइटोसिस को फॉलो, माइटोसिस इज फॉलोड बाय जी टू फेज, पहले जी टू आता है फिर माइटोसिस आता है, सो माइटोसिस इज फॉलोड बाय जी टू फेज, ये होना चाहिए था। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, देखते पता चलना चाहिए था, गलत क्यों होना चाहिए था ये बताओ। आठवां क्वेश्चन, चलिए आठवां क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इजी क्वेश्चन है। हाँ, किसका सही आंसर है? नुपुर का सही है, विजया का सही है, अर्पित का सही है, अद्वैत का सही है, और किसी का? मोहित का सही है, सुदीप्ता का सही है। हाँ जी, सहेली कहाँ पे बनी थी? सहेली क्या खास बात है? सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, मतलब कि उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होता। सहेली ही एक्चुअली एंटी एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर सेंट क्रोमन नाम का केमिकल होता है। कहाँ बनी थी ये? इंडिया की खुद की बनाई हुई है, CDRI लखनऊ, NCERT में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्लीज, इजी क्वेश्चन, ग्रेन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन, इजी क्वेश्चन बोलिए। इजी क्वेश्चन नाइन्थ का, तान्या राइट, नुपुर राइट, विक्रमांक राइट, अनीता राइट, तैयबा राइट, शिवानी, विजया, मोहित, अर्पित, बख्तवार, रघुराम राइट, सबका राइट है। किस में ग्रेन्यूल्स नहीं होते? मोनोसाइट्स में नहीं होते। WBC को दो में डिवाइड करते हैं हम, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। जो ग्रेन्यूल्स वाले होते हैं उनको ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं, उनमें क्या होता है? इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जो ए ग्रेन्यूलोसाइट होते हैं जिनमें कोई ग्रेन्यूल नहीं होता, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इतना अपने को आना चाहिए, समझ रहे हो? ये आना चाहिए बेटू। चलो जेनेटिक्स, ईजी क्वेश्चन जेनेटिक्स का, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ईजी ईजी करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है सैयद का, तान्या का, विक्रमांक का, राजा का, कस्तूब का, सैयद सिराज का, पवित्रो का, अनीता का, बिल्कुल सही उत्तर है। देखो अगर तो एक जीन का पेयर है, एलील्स का पेयर है, ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे है और एक दूसरे को डोमिनेट करता है, इसको तो बोलते हैं डोमिनेंस। जैसे कि ब्लैक आई कलर डोमिनेट करेगा ब्लू आई कलर को, लेकिन अगर ये कोई और होमोलोगस पेयर है, ये कोई और होमोलोगस पेयर है, यहाँ पे पड़ा हुआ एक जीन पेयर इसको हाइड कर रहा है, इसके अफेक्ट को हाइड कर रहा है, समझ रहे हो? ये इसके अफेक्ट को हाइड कर रहा है तो एपिस्टेसिस कहेंगे। सो डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में फर्क है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है। द जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ, जीन पेयर हाइड्स, ठीक है, एलील हाइड्स नहीं लिखा है, जीन पेयर हाइड्स इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ एनदर जीन। आई होप यू अंडरस्टैंड, जिसने भी गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जेनेटिक्स, NCERT का क्वेश्चन है, बोलिए। अंकित सिंह का नाम नहीं आ रहा, अंकित सिंह आया ही अभी है, क्या करें? नहीं मुकेश कुमार, आज C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स करना है हमें। किस किस का उत्तर आ गया? 11th का अर्पित भारद्वाज सही है, अद्वैत पंटेज सही है, बख्तवार राइट, पृथ्वीराज राइट, संयुक्ता राइट, विजया MD, एहतशान, रघुराम, अर्पित, सुदीप्ता, मोहित, सबका सही है। When one gene controls two or more different characters simultaneously, एक ही जीन के पेयर से कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है, मैं ये भी कंट्रोल करूंगा, मैं ये भी कंट्रोल, मान लो एक जीन है, सपोज फॉर एग्जांपल वो आई कलर को भी मतलब कंट्रोल करे और हेयर कलर को भी कंट्रोल करे, ऐसा होता नहीं है बट ये एग्जांपल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लायोट्रॉपी, ठीक है, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं सारंग, अभी शुरू करो बेटा। अद्वैत इसका नोटिफिकेशन आ जाता है बेटा। अर्पित का सही है, नुपुर का सही है, सारंग का सही है, कौस्तुभ का सही है, शोएब का सही है, अवंती सही है, साइंस का फंडा, विजया, संयुक्ता, सभी का सही है, ये सभी, ऑलमोस्ट सभी का सही है।
प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्या काम है, इतना पानी क्यों होता है सेल में, शेप मेंटेन, टर्गर प्रेशर रहता है तो शेप प्रॉपर रहता है सेल का, कीप्स टेम्परेचर, क्योंकि वाटर बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है तो प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखता है, हेल्प इन इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑल ऑफ द अबव आंसर। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, ऐसे नीट में 2-3 क्वेश्चन होंगे जो आपको आने चाहिए, जनरल नॉलेज से के क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट प्लीज, RCH क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है, NCERT का क्वेश्चन है, बोलो। हाँ जी, ऑलमोस्ट सभी का ही सही आ रहा है ये, ऑलमोस्ट सभी का ही सही है। RCH स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसका पहले नाम फैमिली प्लानिंग रखा गया था, सो RCH वही है, RCH प्रोग्राम्स। नेक्स्ट 14th, ईजी क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे कंट्रोल होता है, 5 सेकंड के अंदर आंसर दो इसका, 5 सेकंड के अंदर आंसर दो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, बोलिए। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबलाइज करने का काम कौन करता है? नुपुर राइट, विजय राइट, साइंस राइट, 12th गलत कर दिया वैष्णवी ने, रघुराम राइट, बख्तवार राइट, सत्येंद्र राइट, एहतश्याम राइट, चंद्रशेखर राइट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, देखो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी हो सकता है और कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, लेकिन चलो हम देख तो ले पहले कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कौन है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने और जोड़ने का काम कौन करता है? पैराथॉर्मोन का कोई काम नहीं है, कैल्शियम से होता है। विटामिन B12 का कोई काम नहीं है। ग्लूकोज तो खुद कार्बोहाइड्रेट है, ये तो बनाया जाता है तोड़ने के बाद, ग्लूकोज थोड़े भी अफेक्ट करता है, इंसुलिन अफेक्ट कर सकता है, इंसुलिन आंसर बनेगा यहाँ पे। क्यों? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनने पे मजबूर करता है, कल परसों पढ़ाया था, है ना, एनाबॉलिज्म कराता है ग्लाइकोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ईजी क्वेश्चन, डेफिनेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, डेफिनेशन चाहिए टेस्ट क्रॉस की, बताओ जल्दी से। 15th, पढ़ लेते हैं। क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या होता है, देखो टेस्ट क्रॉस ये होता है, मान लो तुमने एक डोमिनेंट प्लांट को एक रिसेसिव प्लांट से क्रॉस किया और ये TT आ गया, ठीक है, ये F1 जनरेशन आ गई। अब इस F1 जनरेशन को तुम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दोगे तो टेस्ट क्रॉस बन जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर बनेगा। क्रॉसिंग बिटवीन 2 F1 हाइब्रिड्स रॉन्ग, क्रॉसिंग बिटवीन F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, ये हो सकता है आंसर। Crossing between two genotypes with dominant trait, गलत। Crossing between two genotypes with recessive trait, better answer B बन रहा है। Crossing the F1 hybrid with double recessive genotype, ज़्यादा better answer ये बन रहा है। हाँ जी, ठीक है। Next please, common sense का question है, to get quick energy one should, क्या खाना चाहिए, बोलो, common sense का question है। हाँ जी बिल्कुल सही सारंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इजी क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। अच्छा तुम बताओ, अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग बताओ, जब तुम्हें एनर्जी चाहिए होती है तुम्हें जिम में या तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या देती है, ग्लूकोज पीने के लिए देती है, ग्लूकोन डी डालती है, ग्लूकोन डी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। सबसे क्विक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट प्रोटीन बहुत पीछे रह जाते हैं एनर्जी देने में, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, ये बड़ा फनी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन, आंसर इट फास्ट। सत्रह का आंसर चाहिए, राइट। अंकित गोयल ए, इमा विनोद 1, सैयद सिराज ए, पवित्र साहू ए, अमित कुशवाहा ए, सबका सबका डी किसने किया है, गिरीश गलत है रे, डी कैसे होगा। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, देखो पहली बात तो लीगल कोई इलीगल मेथड होता नहीं बर्थ कंट्रोल का, ठीक है, सिर्फ उसको क्या बोलते हैं जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसको मत बर्थ कंट्रोल की तरह ट्रीट करो, अबॉर्शन को बर्थ कंट्रोल की तरह ट्रीट मत करो, बाकी सब कुछ लीगली मेथड है बर्थ कंट्रोल का, पहली बात तो ये
इसे कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। डे 17, डे 10 से डे 17 सबसे खतरनाक दिन होते हैं जिसमें बेबी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पे एब्सटेन करना है, दिस इज़ द मेथड। ये सब बकवास है, डे ब्रेक पे क्या हो जाएगा, प्री मेजुकेशन, सब बकवास है, सब बकवास है। अबॉर्शन इज नॉट अ मेथड ऑफ यू नो बर्थ कंट्रोल। ये क्वेश्चन आता रहता है, अबॉर्शन इज नॉट अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये बार बार ध्यान रख लो, इट इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सारंग गलत है तुम्हारा आंसर, तान्या का सही है, साइंस का फंडा का सही है, रघुराम का सही है, शोएब ये क्या बात हुई, बख्तवार का सही है। हाँ जी, सबसे अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन कॉलाजन है, पूरे एनिमल्स में सबसे अबंडेंट कॉलाजन ही होता है। वैसे अगर पूरी दुनिया में देखो सबसे अबंडेंट प्रोटीन तो प्लांट प्रोटीन है रुबिस्को, लेकिन अगर एनिमल वर्ल्ड में देखोगे तो कॉलाजन। ईजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा, बोलो। 19th, कितना स्पर्म बनना चाहिए। रघुराम का सही है, अश्क बानो का सही है, शुभम का सही है, ये बी कौन दे रहा है, अक्षय शर्मा गलत है बेटू, विक्रमांक का सही है, एहतशाम का सही है। देखो ना यार, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये तो माइटोसिस से ही बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना मियोसिस वन से, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे मियोसिस टू पूरी करने के बाद स्पर्मेटिड बनेंगे, दो इससे बनेंगे, दो इससे बनेंगे, तो हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो बनेंगे ना। ये कितनी बार टेबल कराती हूँ मैं, कितनी बार बात करते हैं आपा, ये इसको जरा ठीक कर लो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगर ये वाली बात तुम्हें नहीं पता है तो चलो ये बताओ जरा, विच इज ऑड अमंग द फॉलोइंग, कौन सा ऑड है, मतलब कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट। नहीं 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 काजल ओझा, मैंने तुमको ब्लॉक नहीं किया बेटा, तुमको क्यों ब्लॉक करूंगी मैं, तुम तो अच्छी बच्ची हो। ए ए नहीं, गलत सारंग, फिर से गलत बात है सारंग, तू आज गलत आंसर दे रहा है यार, मजे नहीं आ रहे। जतिन गलत है, पवित्रो सही है, और किसी का सही है, अद्वैत पंटेज का सही है, बहुत कम बच्चों का सही है ये आंसर, मुकेश कुमार का सही है। अरे देखो, काइटिन कार्बोहाइड्रेट होता है भैया, काइटिन इज अ पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट है यार, क्यों नहीं है, होमो पॉलीसेक्राइड है, सही उत्तर है, मतलब ये ऑड नहीं है, मतलब दिस इज सही कॉम्बिनेशन। लिपिड्स जो स्टीरोइड्स लिपिड्स होते हैं, सही बात है, वैक्स लिपिड होता है, सही बात है, ये गलत है। पैक्टिन इज नॉट प्रोटीन, सो द आंसर इज दिस, ऑड वन ढूंढना था ना हमको, पैक्टिन प्रोटीन नहीं होता बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको जरा दिमाग में बिठा लो, ये गलत हो गया तुम लोगों का बहुत का। अच्छा ये क्वेश्चन देखती हूँ किसका सही होता है, अच्छा ये क्वेश्चन देखती हूँ, लाओ दिमाग चलाओ जरा अपना, ये किसका आंसर सही होगा, 21 का आंसर बताओ तो। मेघना मेनन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करती हूँ मैं, 21 का ए गलत है, 21 का बी भी गलत है, 21 का एहतशाम का सही है, एहतशाम का सही है, मोहन का सही है, और बताओ पृथ्वीराज का सही है, और बताओ अर्पित का सही है, अरुणिमा का सही है, शुभम कुमार का सही है, बहुत कम बच्चों का सही है ये, बहुत कम बच्चों का। वन वाले सभी बच्चे गलत हैं, टू वाले सभी बच्चे गलत हैं, थ्री वाले सभी बच्चे गलत हैं, आंसर फोर्थ है, मैं बताती हूँ क्यों। एटीपी में क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन मतलब एक शुगर लगा लो और उसके साथ एडिनिन लगा लो, एडिनोसिन बन गया। अब ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है इसका, देखो H3PO3 लिख रही हूँ, H3PO4 सॉरी, दिस इज H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को H3PO4 भी लिखते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं H3PO4 को। अब यहां लिख लो,
आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आएगी। रुको, अरे यार थोड़ा सा गलत हो गया, रुक जाओ। यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए। देखो एटीपी में क्या होता है, एक शुगर होती है, एक एडिनिन होती है, फिर तीन फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, और यहाँ पे एक तीसरा फॉस्फेट बना लो, ठीक है। एनर्जी कहाँ पे होती है, लास्ट वाले दो फॉस्फेट्स के बीच में होती है। लेट मी शो यू, वेट। देखो एक और फॉस्फेट बना लो आखिरी, ठीक है। अब एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होती है, लास्ट फॉस्फेट्स के बीच में होती है। लास्ट फॉस्फेट कैसे ग्रुप वो बनाते हैं बॉन्ड, यहां से वाटर निकाल दो, H निकाल दो, O निकाल दो और H निकाल दो, अल्टीमेटली क्या बचेगा, POP। ऐसे यहां पे बॉन्ड बनेगा, ऐसे यहां पे बॉन्ड बनेगा, तीनों जगह वाटर लूज होएगा। तो बेसिकली जब ये बॉन्ड टूटता है ना बेटा, ये बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी निकलती है। सो पी और ओ के बीच का बॉन्ड टूटता है। समझ में आया गलती कहां पे हुई थी, समझ में आया? तुमको एटीपी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था इसके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताओ। गलत है ए, किसने दिया है विक्रमांक, गलत हो गया बेटा जल्दी जल्दी के चक्कर में। जल्दी इतना आंसर क्यों दे रहे हो, सारंग का इस बार सही है, शुभम का सही है, अद्वैत पंटेज का सही है, एहतशाम का सही है, मीशे का गलत है, हिमांक का सही है, अरुणा का सही है, विशा का सही है, गलत कैसे कर रहे हो। प्लाज्मोडेस्माटा कंटेन्स कनेक्शंस हेल्प इन, प्लाज्मोडेस्माटा किस चीज में हेल्प करता है यार, प्लाज्मोडेस्माटा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स में नहीं हेल्प करता, सेल टू सेल के बीच में जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसी में तो हेल्प करता है। ए कैसे सही किया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर ही मूव करना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है। कैसे होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, विद द हेल्प ऑफ जो छोटे छोटे फिलामेंट्स पड़े होते हैं ना प्रोटीन के सेल के अंदर, सेलुलर फिलामेंट्स मायोसिन और एक्टिन के, उसकी वजह से होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या रोल है, ये बकवास है, ये बकवास है, ओके। हाँ जी इफ्फत सबा कैसे हो बेटा, जल्दी जल्दी नहीं करना है, टेक 2-3 seconds, 5 seconds लो क्वेश्चन पढ़ने के लिए। 23 का उत्तर, सारंग सही है, तान्या सही है, एहतशाम सही है, शुभम राइट, एमडी राइट, अर्पित राइट, विजय राइट, रघुराम राइट, ममता राइट, रोशन राइट, विक्रमांक राइट, महबूब राइट, साइंस का फंडा राइट, जतिन राइट, ओके ओके ऑलमोस्ट सभी सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के बारे में सही बताना है। दीज आर सब्स्टिट्यूट मीथेन्स, बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा मीथेन ऐसे होती है, ये मीथेन है ना, इसमें H को सब्स्टिट्यूट कर दो, एक H की जगह COH लगा दो, दूसरे H की जगह NH2 लगा दो, तीसरे H को ऐसे ही रहने दो और चौथे H की जगह R ग्रुप लगा दो, तो मीथेन को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। सो दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, NCERT में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये सही है, आयनाइजेबल नेचर होता है इनका, ये सही है, आर ग्रुप की वजह से ही, अलग अलग आर ग्रुप होने की वजह से अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनते हैं, आर ग्रुप चेंज होता रहता है। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेघना मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं बता सकती बेटा कि तुम क्या कर पाओगी क्या नहीं, लेकिन मैं बायो में बता सकती हूँ। बायो में तुम अभी भी 340 प्लस ला सकती हो, अभी से भी पढ़ोगी तो। जरा सोच के आंसर करेंगे, एहतशाम का सही है, सिर्फ एहतशाम का सही है अभी तक, मुस्कान सोनी का सही है, साइंस का फंडा का सही है, अर्पित भारद्वाज का सही है, सारंग का सही है,
बहुत कम बच्चों का सही है, बहुत कम बच्चों का है, गिरीश का सही है, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आएगा। देखो क्या कह रहा है वो, ये हार्ट है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है। तो ये कह रहा है इसकी कॉर्डी टेंडनी खराब हो गई, कॉर्डी टेंडनी खराब हो गई। अब कॉर्डी टेंडनी क्या करता है, बेसिकली जब ये वॉल्व ऐसे बंद होता है ना, तो ब्लड को यहाँ से वापस जाने से रोकता है यहाँ पे एट्रिया में। पर अब कॉर्डी टेंडनी खराब हो गई तो मतलब कि ब्लड एट्रिया में जा पा रहा है, ब्लड उल्टा चला गया यहाँ पे। अगर ब्लड एट्रिया में वापस चला गया जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो ब्लड कम जाएगा यहाँ पे, लेस ब्लड विल फ्लो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मल में क्या होना चाहिए, ये दरवाज़ा यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए, तो सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए। लेकिन अब कॉर्डनी टेंडनी खराब होने की वजह से ये रास्ता खुला रह गया, तो ब्लड यहाँ पे जा रहा है, तो लेस ब्लड विल फ्लो टू पल्मोनरी आर्टरी। एम आई क्लियर? द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। ये क्यों नहीं है, एओर्टा वाला क्यों नहीं है? अगर यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व की अगर कॉर्डी टेंडनी खराब हुई होती, तब एओर्टा वाला आंसर होता, क्योंकि एओर्टा यहाँ पे होती है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट प्लीज। खत्म होने वाला है क्विज बेटा, 25वां क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन है आज के क्विज में। विशा, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी क्रॉस कर लोगे बेटा, 160 से ऊपर क्रॉस कर लोगे, बिल्कुल पक्का कर लोगे। सबका सही है, ऑलमोस्ट सभी का सही है। ये कह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुप में ना, एबीओ ब्लड ग्रुप्स में कितने फीनोटाइप्स होते हैं? कह रहा है जीनोटाइप्स तो 6 होते हैं, ठीक है। जीनोटाइप कौन से होते हैं? I A, I A, I B, I B, I B, A B, I एंड I, ये तो जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें फिनोटाइप कितने बन सकते हैं? ये दोनों का फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ये दोनों का फिनोटाइप ब्लड ग्रुप बी बनेगा, ये फिनोटाइप ए बी बनेगा, और ये फिनोटाइप ओ बनेगा। तो 4 फिनोटाइप बन सकते हैं, 6 जीनोटाइप्स और 4 फिनोटाइप्स बनेंगे। आंसर क्या बनेगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ठीक है, पक्का बिल्कुल। बताइए शिवानंद, सही उत्तर है। ए रघुराम गलत कर रहा है, लड़के गलत किया है। आशुतोष का सही है, आरती का सही है, अवंती का सही है, साइंस का सही है, रईस सैयद का सही है। सारंग का गलत है, दीपा का सही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, 120/80, ठीक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर करना है तो इसको 140/90 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 130/90, 130 हाई ब्लड प्रेशर कैसे हुआ रघुराम? गलत हो गया ना बात, इज कंसिडर्ड टू बी हाई, नो, ये कम से कम 140 को टच होना चाहिए था, गलत हो गया। इज कंसिडर्ड आइडल, आइडल ब्लड प्रेशर ये नहीं है, आइडल ब्लड प्रेशर ये है 105/50 इज मेक्स वन वेरी एक्टिव। बकवास, एक नंबर की बकवास, ये सही है, ये हाई ब्लड प्रेशर है, और हाई ब्लड प्रेशर में कौन डैमेज होता है? ब्रेन एंड किडनी सबसे पहले डैमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा झा, बेटा अभी दिसंबर आया है, धीरे धीरे देखो लेवल कहाँ जाता है क्वेश्चंस का। तानिया तुम्हारा क्वेश्चन नहीं देखा बेटा मैंने। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जरा लगाओ तो आंसर बताओ तो। अरे अभय मित्र गलत, दीपा चंद्रा गलत, क्या 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 गलत, रघुराम गलत, क्या बात कर रहे हो, प्रेरणा गलत, अर्चना गलत, आरती गलत, हे भगवान इतने बच्चे गलत, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। काजल ओझा गलत, शेख रोबा गलत, अम्मान मलिक गलत, सीक्रेट फाइल गलत,
अंकित गलत। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इंसान द फेस बिकम्स रेडिश, आपका मुंह लाल क्यों हो जाता है? भैया आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, इसलिए आपका मुंह लाल होता है। दिस इज द रीजन, स्किन इरिटेशन इज नॉट द रीजन। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। इन व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई योर ब्लड वेसल्स यू नो दे डायलेट एंड व्हेन दिस टेम्परेचर इज लो ब्लड वेसल्स श्रिंक। एक्सपेंशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, क्या बात कर दी बच्चों तुमने, क्या बात कर दी। अरुणा वॉज राइट, ओके। अमान मलिक कोई नहीं, कॉमन सेंस भी बेटा धीरे धीरे डेवलप होती है। कॉमन सेंस ऐसा नहीं है कि मम्मी के पेट से सीखते हैं हम, किसी सब्जेक्ट को लेके भी कॉमन सेंस धीरे धीरे डेवलप होती है। यूरियोटेलिक एनिमल्स में यूरिया किससे बनता है, कौन से साइकिल से बनता है? ये ऑलमोस्ट सभी का ही सही होना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी का सही होना चाहिए। ऑर्निथिन साइकिल, कहाँ चलता है ये ऑर्निथिन साइकिल? इसी को यूरिया साइकिल कहते हैं, इसी को कहाँ पे चलता है ये, कौन से ऑर्गन में चलता है यूरिया साइकिल? यूरिया साइकिल कौन से ऑर्गन में चलता है? कोई आंसर नहीं दे रहा इस बात का, है ना? यूरिया साइकिल कौन से ऑर्गन में चलता है? अपने लगे हुए हैं ए ए ए ए ए ए ए ए। चलो मैं ही बता देती हूँ, यूरिया साइकिल चलता है लिवर में, ठीक है? अब कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसको यूरिया रीसाइकिलिंग से, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। यूरिया रीसाइकिलिंग किडनी में होती है, यूरिया रीसाइकिलिंग पढ़ाई थी ना, यूरिया रीसाइकिलिंग और यूरिया साइकिल अलग अलग है, ओके? चलो अगला क्वेश्चन, ये हल्का सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है? तो हल्का सा आउट ऑफ सिलेबस है, देख लो इसको एक बार। ओके पूजा झा, हाँ जी, क्या आंसर बनेगा इसका? 29th का आंसर क्या बनेगा? हल्का सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुम्हें इस पे कराया था, यूट्यूब पे कराया था मैंने तुम लोगों को। अभी तक मुझे एक आधा ही आंसर सही मिला है, एहतशाम का सही मिला है, आनंद हटकर का सही मिला है, शुभम का सही मिला है, समीर का सही मिला है, करिश्मा का सही मिला है, वैष्णवी का सही मिला है, संजय का सही मिला है। देखो एक याद करो, एक बात बताई थी मैंने तुम्हें, अगर तुम लोगों को याद हो तो, ये ग्लोमेरुलस है मान लो, ठीक है? ये ब्लड वेसल है, तो इस ब्लड का जो प्रेशर है ना, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर, GBHP। ये ज़्यादा होना चाहिए दो प्रेशर से, क्या? एक जो यहाँ पे लिक्विड है, जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर लिक्विड है, उसके बैक प्रेशर से, इसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस किससे ज़्यादा होना चाहिए, एक और चीज़ से, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा होना चाहिए, BCOP। GBHP हमेशा इन दोनों के सम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है? सो आंसर क्या बनेगा, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर प्रेशर मस्ट रिमेन लेस देन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आंसर चौथा बनेगा, ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन, जरा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये मत कहना मैम फ्रॉग सिलेबस में नहीं है, मर जाऊंगा मैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आंसर चलो अभी देंगे। थैंक यू नॉर्मन। साइंस का फंडा गलत हो गया बेटा ये वाला, रवि कुमार गलत हुआ है ये वाला क्वेश्चन, अब्दुल कादिर गलत हुआ है। देखो बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पूछा है यार, किस में कौन सा होता है? देखो तुम लोगों को पता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी होता है आसपास में सराउंडिंग में, वो अमोनिया रिलीज करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट भी वो इजिली रिमूव करवा देते हैं, तो अमोनिया टैडपोल में होना चाहिए, ठीक है? और फ्रॉग के अंदर यूरिया होता है, ये याद कर लो,
यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग, आंसर टू बनेगा। अब देखो तुम्हें तीन एनिमल्स के तो याद रखने ही है, किसी के याद करो ना करो, अपने ना आउट ऑफ सिलेबस भी दिए हो चाहे वो एनिमल्स, एक फ्रॉग दिया है, एक कॉकरोच दिया है, एक अर्थवॉर्म, तीन एनिमल्स दिए हुए हमें। कॉकरोच का हमको यूरिक एसिड याद रहता है हमेशा, कॉकरोच जो बीच वाला है उसका यूरिक एसिड है, इसको याद करना है हमने, ठीक है। फ्रॉग का भी यूरिया है, अर्थवॉर्म का भी यूरिया है, फ्रॉग और अर्थवॉर्म का याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है यार। फिर तुम कहते हो आउट ऑफ सिलेबस है, फिर आउट ऑफ सिलेबस के नंबर नहीं मिलेंगे, वो कहेंगे हमने तो एनिमल किंगडम से दिया है तुमको, ऐसे बेवकूफ बनाएंगे, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं देंगे तुमको वो, ठीक है। चलो हाँ जी, भूमिका भी ओके मैं कर चुकी हूँ। 30 में से कितना सही आ रहा है तुम लोगों का स्कोर, कितना सही आ रहा है, कितना सही आ रहा है? 20 अब सब रघुराम नहीं, रघुराम का मान सकती हूँ मैं, 27 सही है, ठीक है, रघुराम फेंक नहीं रहा है। आशुतोष मित्तल का भी मान सकती हूँ, इसके ज़्यादातर आंसर सही थे। सारंग 20 मान सकती हूँ, तूने बहुत गलत किया है। एहतशाम 29 आई कैन बिलीव, एहतशाम के ज़्यादातर आंसर सही थे। और बताओ, और बताओ, पृथ्वीराज चौहान, ए पृथ्वीराज चौहान तूने कौन सा आंसर दिया है, मेरे को कोई आंसर नहीं मिला तेरा। हार्दिक परमार 14, मोहम्मद राशिद के मेरे को पता नहीं सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 27, 29, 26, देखो मेरे प्यारे बच्चे सुनो, 15, सुनो अब ये क्विजेज मैं और बड़े करते जाऊंगी। देखो हर बार तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, देखो मैं मानती हूँ कि तुम सभी क्विजेज में अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने देखा होगा मेरा जो टेस्ट होता है वो ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस में से भर के टेस्ट दिया, और मैंने जनरली मैं कुछ चैप्टर्स में से टेस्ट डाल देती हूँ, तो तुम लोगों को लगता होगा अगर वो चैप्टर नहीं आते तो तुम्हारे कम मार्क्स आते होंगे। बट इस चैप्टर में से अगर अभी तुम्हारे 20 21 22 भी सही हो रहे हैं ना, तो भी मई तक बहुत ठीक हो जाएंगे। अभी 20 21 22 आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 20 भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी और इम्प्रूव होंगे ये, क्योंकि अभी 4 महीने पड़े हैं, ठीक है। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे इंक्रीज करूंगी मैं, अभी इतना इंक्रीज नहीं करूंगी, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। सो आई होप तुम लोगों का थोड़ा आंखें खुली हैं कि अभी कौन कौन से एरियाज में दिक्कत है, जो समझ में आ रहा है वो प्लीज़ उसको जाके पढ़ लो, ठीक कर लो। 6 बजे तुम्हारी क्लास मैंने आज रखी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पूरा नहीं हो रहा है। सो आई विल टीच यू कैम एंड C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स में क्या होता है और C4 प्लांट्स में क्या होता है। जिसे पढ़नी है वो वाली क्लास, तो एक बार ज़रा पहले C3 प्लांट्स वाली वाली पढ़ लो, C3 पढ़ लो, YouTube पे पढ़ी है सारी क्लासेस, C3 और फोटो रेस्पिरेशन, यू शुड स्टडी देम टू लर्न व्हाट इज C4 एंड कैम, तभी आपको डिफरेंस पता चल पाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। अगर आप पूरा सिलेबस मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं, नीट की तरफ एक बहुत ही सॉलिड कदम अगर आप उठाना चाहते हैं, मतलब बायो में मैं मतलब आई कैन टेक, आई एम वेरी श्योर कि मैं तुम्हारे बहुत 340-350 मैं टपवा दूंगी तुम्हारे, अभी भी अगर तुम तैयारी करना शुरू करते हो, गिवन कि तुम वो चीज़ें पढ़ के आओ जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दूँ, तुम उतनी मेहनत करो जो मैं तुम्हें मेहनत करने के लिए कहूँ, तो ये पूरी चीज़ें तुम मुझसे पढ़ सकते हो प्लस पे। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर तुम लेना चाहते हो तो अभी 31 से पहले ले लो, कल से पहले ले लो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है और रोज़ हम आधा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 3-4 ही चैप्टर ख़त्म किए हैं, एनिमल टिश्यू कल ख़त्म हो जाएगा। सो अभी चल रहा है, अभी शुरू किया है, आप लोग अगर अभी ज्वाइन करोगे तो आप क्रैश कोर्स में बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको जो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना, आप वो भी सीख जाओगे क्रैश कोर्स में, क्योंकि क्रैश कोर्स मैं धीरे पढ़ा रही हूँ, बहुत तेज़ नहीं पढ़ा रही हूँ। सो जब भी तुम सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, मेरा कोड डालना मत भूलना, रितु लाइव, वो कोड ही तुम्हें मेरी क्लास में एंट्री दिलवाएगा, ठीक है। सो पुट दैट कोड, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएंगे, प्लस आप मेरी क्लास में एंटर भी कर पाएंगे, एंड हम लोग फिर बायो की बैंड बजा देंगे। बायो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा यदि तुम मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ते हो तो, वैसे ही बन जाएगा YouTube पे भी पढ़ोगे तो। चलो आई विल सी यू, थैंक यू सो मच, 6 बजे मिलती हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कैम और उसके लिए C4 प्लांट्स के लिए।